देखो ध्यान दो, जैसे मान लो अगर हमें टी एन मालूम है, मान लो हमें एनथ टर्म मालूम है, कोई प्रोग्रेशन होगी, पता नहीं कौन सी प्रोग्रेशन है, हम प्रोग्रेशन को नहीं जानते हैं, मान लो हमें टी एन मालूम है और हमें इसका सम निकालना है, एस एन एन टर्म का सम निकालना है, एंथ टर्म मालूम है, हमें इस प्रोग्रेशन के एन टर्म का सम चाहिए। देखो ध्यान, इसका देखो तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए टी एन मालूम है, एन की जगह वन रख दें तो टी वन आएगा, है ना, तो बी इंटू वन स्क्वायर प्लस सी इंटू वन और प्लस डी, है ना, एन की जगह टू रखें तो टू की पावर थ्री और टू की पावर टू और प्लस डी, एन की जगह थ्री रखें तो हो जाएगा टू की पावर थ्री और टू की पावर टू, है ना, सॉरी थ्री, एन की जगह थ्री रखना है तो थ्री की पावर थ्री, और देखो यहाँ पर हो जाएगा क्या, थ्री की पावर टू और सी इंटू थ्री प्लस डी। इसी प्रकार जब हम एन की जगह एन रखेंगे तो ए एन क्यूब बी एन स्क्वायर और सी एन प्लस डी। अब देखो हमें Sn चाहिए, Sn सब टर्म्स का सम, T1, T2, T3 से लेकर के Tn, Sn का मतलब क्या होता है, सारे टर्म्स का सम। तो क्या होता, ध्यान दो यहाँ पर कि जैसे इन सब का सम चाहिए, देखो ये क्या हो गया, इन सबको ऐड करो तो A कॉमन आएगा, साथ में आएगा 1³, 2³ + n³, इन सबको ऐड करो, देखो B कॉमन आएगा, साथ में आएगा 1² 2² से लेकर के n² इन सबको ऐड करो, देखो c कॉमन आएगा तो 1 + 2 + 3 से लेकर n तक, इन सबको ऐड करो तो d d d n बार ऐड होगा तो देखो d n आ जाएगा। देखो ध्यान दो, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n क्यूब, इसको लिख सकते हैं सिग्मा n स्क्वायर, है ना, ये क्या है बोलो सिग्मा n क्यूब, ये क्या है बोलो सिग्मा n स्क्वायर, और ये क्या है बोलो सिग्मा n C into, देखो सिग्मा n और प्लस ये हमारा dn है, ये हमारा देखो n टर्म का सम आता है। देखो इस dn को भी हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो हम इसको dn को सिग्मा ऑफ d लिख सकते हैं क्योंकि d है कांस्टेंट, तो सिग्मा ऑफ d का मतलब भी d into n होगा, समझाया था मैंने आपको भी। तो देखो क्या हुआ, हम फाइनली ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा Sn है वो हो गया सिग्मा ऑफ टी एन, क्योंकि अगर हम टी एन के आगे सिग्मा लगा देंगे तो देखो यही मिलेगा, है ना, प्लस या माइनस में सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ध्यान दो, है ना, जैसे अगर हम इस पूरे के आगे देखो ये हमारा टी एन है, ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, तो हमारा जो एस है ये होगा सिग्मा टी एन, तो ये सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिग्मा इस पे भी आएगा, इस पे अगर आएगा तो ए कांस्टेंट है सिग्मा एन क्यूब, सिग्मा इस पे भी आएगा तो बी कांस्टेंट बाहर आ गया, सिग्मा इस पे भी आएगा, है ना, और सिग्मा इस पे भी आएगा। तो मतलब अगर हमें nth टर्म मालूम है किसी प्रोग्रेशन का और हमें सम चाहिए तो हम उसके आगे सिग्मा लगा दें, मतलब इसको अपने आप में आप एक थ्योरम भी मान सकते हैं, अगर हमारे पास कोई प्रोग्रेशन है उसका nth टर्म मालूम है, है ना, और हमें सम ऑफ n टर्म चाहिए है, हाँ ध्यान रखना प्रोग्रेशन इस फॉर्म में है। अब ये नहीं है कि n टर्म कोई भी दे दिया जाए, जो n टर्म है देखो हमारा वो n में क्यूबिक है, n की पावर 3 है, n स्क्वायर है, मतलब एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, ऐसा नहीं कि tn कुछ भी हो आप Sn निकाल लेंगे, ऐसा नहीं, tn इस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब ऐसे समझो आप कि nth टर्म जो है उसमें n क्यूब का टर्म होना चाहिए, n स्क्वायर होना चाहिए, n होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, तो हमारा जो tn है अगर वो इस फॉर्म में है तो सम ऑफ n टर्म्स, देखो यहाँ पर अगर हमें निकालना हो तो हम tn के आगे सिग्मा लगा करके सम ऑफ n टर्म को निकाल सकते हैं, इस बात को याद रखो, है ना, तो इसको हम एक अपने आप में थ्योरम भी मान सकते हैं, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको,